हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज आप लोग एक ऐसी स्टोरी देखोगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, एंड बिलीव मी इसका एंडिंग ट्विस्ट आपको पूरी तरह हिला के रख देगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2006 में आई मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म सेल्वेज को। IMDb पे ऐसे मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 5 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 38% फ्रेश विद 44% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक पुराने से सुनसान से पार्किंग लॉट को दिखाते हुए, जहां जिमी नाम का एक बंदा अपने ट्रक के पीछे कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने से एक आदमी चलते हुए आता है जिसे जिमी घबराते हुए देखता है, एंड सीन सीधा क्लेयर पर शिफ्ट होती है जिसकी अभी एक स्टोर पर नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी। फिर वो स्टोर को अपने एक कलीग को सौंपकर स्टोर के बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड जिमी का इंतजार करती है, जो इसे लेने के लिए आने वाला था। तभी कुछ देर बाद वो दूर से जिमी की ट्रक को आते हुए देखती है, लेकिन उसमें जिमी नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी था। ट्रक में बैठा हुआ आदमी क्लेयर को अपना नाम ड्यूक बताता है और कहता है कि वो जिमी का दोस्त है, जिसे सुनकर क्लेयर ट्रक में बैठ जाती है। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देती कि उसके ट्रक के पीछे एक अजीब सा ब्लू बैग है। रास्ते में ड्यूक की बातें सुनकर क्लेयर को अजीब लगता है, जिस वजह से वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती थी। कुछ देर बाद क्लेयर अपने घर तक पहुंच जाती है और जल्दी से अंदर जाकर मदद बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ड्यूक उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तभी ड्यूक क्लेयर के घर का दरवाजा नॉक करता है। वो बाहर से कहता है कि उसके इयररिंग्स ट्रक में ही गिर गए थे, लेकिन क्लेयर दरवाजा खोलने से मना कर देती है। तो ड्यूक इयररिंग्स घर के बाहर ही रखकर चले जाता है। ठीक उसके जाने के बाद क्लेयर दरवाजे के बाहर से अपने इयररिंग्स उठा लेती है, पर वो अंदर आकर देखती है कि उसके साइड एंट्रेंस का दरवाजा तो खुला ही था। एंड वो जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है, वो देखती है कि चालक ड्यूक उसके सामने ही खड़ा है। वो कुछ कर पाए उससे पहले ड्यूक उसे नीचे गिरा देता है और एक चाकू हाथ में लेकर उसे मारने लगता है। एंड हमें पता चलता है कि ड्यूक एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था। वो क्लेयर को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिस पे क्लेयर बहुत चिल्लाती है। एंड तभी सीन सीधा फिर से उसी स्टोर पर शिफ्ट होती है, और अब क्लेयर, जो कि मर जानी चाहिए थी, पता नहीं कैसे फिर से जिंदा हो गई थी। एंड इस बार भी उसकी नाइट शिफ्ट खत्म होती है और वो बाहर जाकर जिमी का इंतजार करती है। कुछ देर बाद जिमी की ट्रक वहां आती है, जिस देखकर क्लेयर को थोड़ा डर लगता है, लेकिन इस बार ट्रक के अंदर जिमी ही था, तो वो खुशी से ट्रक में बैठ जाती है। फिर वो जिमी को बताती है कि उसने एक अजीब सा बुरा सपना देखा कि किसी ने उसे बेसमेंट में ले जाकर जान से मार दिया। ये सुनकर जिमी कहता है कि लेट नाइट शिफ्ट्स के थकान के कारण तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। फिर वो घर पहुंचते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं। फिर सीन स्कूल पर शिफ्ट होती है, जहां क्लेयर तो क्लास पर ध्यान दे रही थी, लेकिन ठरकी जिमी का सारा ध्यान क्लेयर पर ही था। जिमी क्लेयर को क्लास के बाहर से अजीब से इशारे करता है, जिसपे क्लेयर हंसती है। फिर स्कूल के बाद दोनों स्पोर्ट्स फील्ड जाते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर वो खाली पड़े स्टैंड्स के नीचे जाकर 18+ वाला गेम खेलना शुरू करते हैं। तभी क्लेयर के गाल पर एक खून की बूंद गिरती है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन जिमी कहता है कि उसके गाल पर कुछ भी नहीं है। जिमी गेम को कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन क्लेयर बहुत डर चुकी थी, तो वो जिमी को ऊपर जाके चेक करने कहती है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं होता। क्लेयर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपना जैकेट पहनकर जिमी को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। एंड जिमी बी लाइक, पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी। क्लेयर जैसे ही घर पहुंचती है, उसे उसके बेसमेंट से किसी के बात करने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है। पर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाती है, जहां पूरा अंधेरा था। वो डरते हुए वहां की लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि उसकी माँ बेसमेंट की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है, जिसे देखकर वो थोड़ा शांत होती है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि उसने लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी है, तो उसकी माँ बोलती है कि वो इधर कुछ ढूंढ रही है जिसे उसने पहले खो दिया था। अरे अम्मा, तो अंधेरे में कैसे ढूंढोगी, लाइट्स तो ऑन करनी पड़ेगी ना। बट एनीवेज, ये सुनकर क्लेयर को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे खुद के मर्डर के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिससे उसे बेसमेंट बहुत ही अजीब लगने लगता है। उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसे अपनी माँ के बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद क्लेयर को जिमी का कॉल आता है कि वो उसके दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलने जा रहा है, एंड क्लेयर को पता था कि वो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये सुनकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो सब बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं, जहां जिमी अपने गेम स्किल्स दिखाकर क्लेयर की दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लेयर से ये सब देखा नहीं जाता और वो अपनी दोस्त को सच बता देती है कि जिमी उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे जिमी को बहुत गुस्सा आता है। गेम खत्म होने बाद क्लेयर और जिमी की कार में बहस हो जाती है, फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में क्लेयर को खेतों में ड्यूक दिखता है, जो कि एक कुल्हाड़ी से जमीन खोद रहा था। ड्यूक को देखकर क्लेयर को उसकी सपने में हुई मौत याद आती है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो घर पहुंचकर नहाने के लिए चली जाती है, ताकि वो भयानक ड्यूक को अपने दिमाग से निकाल सके। इसके बाद सीन सीधा एक घने जंगल में शिफ्ट होती है, जहां पुलिस ड्यूक का पीछा कर रही थी, और हम देखते हैं कि पुलिस डॉग्स ड्यूक के पीछे भाग रहे हैं, और पुलिस भी ड्यूक पर फुल गोलियां चला रही है, पर ड्यूक कैसे तो बच के भाग रहा था।
फिर सीन ऑफिस क्लेयर पर शिफ्ट होती है जो अभी तक नहा रही थी। उसे कुछ सही नहीं लगता इसलिए वो जल्दी से नहाकर बाहर जाना चाहती थी ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। एंड जब वो बाथरूम में अपने बाल सुखा रही होती है उसे आईने में ड्यूक का चेहरा दिखता है जिससे उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब वो आईना साफ करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। बाथरूम से निकलने के बाद क्लेयर वो सब अपनी डायरी में नोट करती है जो उसके साथ हो रहा है। फिर उसकी माँ कहती है कि उसे आज स्टोर पर जाना चाहिए, इसलिए वो उसे स्टोर पर ड्रॉप करती है। रास्ते में वो क्लेयर को बताती है कि उसका अभी एक बॉयफ्रेंड है तो उसे उसके साथ ही रहना चाहिए ताकि वो अच्छा वक्त बिता सके। ये सुनकर क्लेयर को अजीब लगता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। फिर उसकी शिफ्ट शुरू होती है लेकिन ज्यादा कस्टमर्स न होने के कारण उसकी वहीं आंख लग जाती है। पर कुछ देर बाद जब वो जागती है तो उसे लगता है कि उसके अलावा भी कोई और स्टोर में है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए किसी चीज को अपने हाथ में ले लेती है। पर क्लेयर की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बिन बुलाया मेहमान कोई और नहीं बल्कि वो सीरियल किलर ड्यूक ही था, जिसे देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। अब ड्यूक क्लेयर का गला घोटने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर अपनी उंगलियां ड्यूक की आंखों में घुसा देती है जिससे क्लेयर के चेहरे पर उसका खून गिरता है। पर तभी ड्यूक ये सही टाइम नहीं है बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्लेयर वहां से ऐसे तैसे करके बाहर निकलती है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। तभी सही समय पर वहां पुलिस भी आती है तो क्लेयर उन्हें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस को उसके बताए हुए बातों के हिसाब से उधर कुछ भी नहीं मिलता और ऊपर से उसके चेहरे पर जो खून था वो भी गायब हो गया था। ये सब देखकर क्लेयर को कुछ समझ में नहीं आता तो क्लेयर पुलिस ऑफिसर को वहां का कैमरा फुटेज दिखाती है जिससे उसे एक और झटका लगता है और हम देखते हैं कि क्लेयर अकेले ही हवा से लड़ रही थी। ये सब देखकर क्लेयर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें जरूर स्ट्रेस के कारण ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे और ये सुनकर क्लेयर चुप हो जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर उसे उसके घर तक राइड ऑफर करते हैं जिसे क्लेयर एक्सेप्ट कर लेती है। जाते समय रास्ते में क्लेयर की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को वही पुराने पार्किंग लॉट में पाती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उधर क्लेयर के साथ जिमी भी था जो अपने ट्रक के पीछे कुछ ढूंढ रहा था। तभी उधर ड्यूक आकर एक कुल्हाड़ी से जिमी पर हमला कर देता है। तभी क्लेयर की आंख खुलती है लेकिन वो खुद को जिमी के ट्रक में पाती है, वो भी दिन में, उसको भी पता नहीं कि कैसे। तभी पीछे से ड्यूक एक अजीब से ब्लू बैग को लेकर आता है। ये देखकर क्लेयर डर जाती है और जल्दी से ट्रक लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाकर वो जल्दी से अपनी माँ को आवाज देती है लेकिन उसकी माँ घर में नहीं थी। एंड तभी उसे एक झटका लगता है क्योंकि ड्यूक पहले से ही उसके घर में उसका इंतजार कर रहा था। एंड वो उसे फिर से बेसमेंट में ले जाकर उसकी खाल काटकर मार देता है। तभी सीन स्टोर पर शिफ्ट होती है जहाँ उसकी आँख खुलती है, जहाँ वो ज्यादा कस्टमर्स न होने के कारण कुछ देर के लिए सोई थी। ये सब होने के बाद क्लेयर बहुत परेशान थी क्योंकि उसने दो बार अपनी मौत होते हुए देखी थी और उसे डर था कि आगे अब क्या होगा। तभी उधर उसका एम्प्लॉय आता है ताकि वो ड्यूटी टेक ओवर कर सके। उसके आने के बाद क्लेयर वहां से निकलकर वहीं खेत में जाती है जहां उसने ड्यूक को कुछ गाड़ते हुए देखा था। वो खेत में पहुंचती है उतने ही देर में ड्यूक भी उधर आ जाता है जिसे देखकर क्लेयर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी ड्यूक उसी जगह जाता है जहां वो पहले कुछ गाड़ रहा था, लेकिन अब हम उधर घायल जिमी को देखते हैं और ड्यूक जाकर एक कुल्हाड़ी से जिमी की गर्दन ही काट देता है। इसके बाद हम क्लेयर को उसी क्लास में देखते हैं जहां वो पहले थी, जहां क्लासरूम के बाहर जिमी अजीब सी हरकतें करते हुए क्लेयर का इंतजार कर रहा था। अब क्लेयर का दिमाग फट रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर उसकी क्लास में उसका टीचर लेक्चर शुरू करता है एंड क्लेयर देखती है कि टीचर वही क्लास रिपीट कर रहा है जो उसने कल किया, इसलिए क्लेयर टीचर को रोकती है जिसपे टीचर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि कल मैंने यही पढ़ाया था, तुम तो क्लास में कल थी भी नहीं। ये सुनते ही क्लेयर क्लासरूम से भाग जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी ही लाइफ में इतना ड्रामा क्यों है। ये देखकर जिमी भी बाहर जाता है और क्लेयर से मिलकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर क्लेयर उसे बताती है कि उसके सपने में उसकी बार बार मौत हो रही है। ये सुनते ही जिमी की हंसी निकल जाती है लेकिन वो क्लेयर को समझाता है कि ये सब जरूर उसका हेलुसिनेशन होगा, इसलिए उसे इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वो एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं थे तो जिमी क्लेयर को एक चर्च ले जाता है ताकि वो फादर को अपनी दुखी कथा बताए, लेकिन वहां के प्रीस्ट चर्च में नहीं थे पर वहां चर्च का क्लीनर था जो उधर सफाई कर रहा था। जिमी क्लेयर से कहता है कि वो अपनी परेशानी क्लीनर को बताए, शायद वो कोई मदद कर सके। क्लेयर को यकीन तो नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा लेकिन वो फिर भी उसे बताती है कि ड्यूक नाम का एक मर्डरर उसके सपने में आ रहा है। जैसे ही वो ड्यूक का नाम लेती है क्लीनर पूछता है कि क्या तुमने सच में ड्यूक को देखा, जिसपे क्लेयर कहती है हाँ। तो क्लीनर बताता है कि ड्यूक तो पहले ही मर चुका है, जिसे सुनकर क्लेयर चर्च से भाग जाती है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और एक सड़क के सुनसान से रस्ते पर रुकते हैं जहां एक लकड़ी का घर था। क्लेयर उस घर में एक खिड़की से देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो घर ड्यूक का ही है। अब क्लेयर उस घर के अंदर जाना चाहती थी लेकिन जिमी को अंदर नहीं जाना था। जिमी को लगता था कि क्लेयर जैसे सपने देख रही है उस हिसाब से जरूर इस घर में ड्यूक का भूत होगा, लेकिन क्लेयर जिमी को बिना कुछ बोले उस घर के अंदर चले जाती है। तभी वो एक टूटी कांच की खिड़की से देखती है कि ड्यूक भी इसी घर की तरफ वापिस आ रहा था, वो भी एक शवल के साथ। ये देख के क्लेयर के पसीने छूट जाते हैं और वो डरते हुए जल्दी से छुप जाती है।
तभी जिमी के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि ड्यूक ने जिमी को जान से मार दिया जब वो ड्यूक का टॉयलेट यूज कर रहा था। उसके बाद हम ड्यूक के हाथ में ब्लू कलर का एक बैग देखते हैं जिससे साफ पता चलता है कि उस बैग में किसी की डेड बॉडी है। एंड क्लेयर को भी पता चल जाता है कि ड्यूक ने जिमी को जान से मार दिया है। ड्यूक के उधर से जाने बाद क्लेयर पुलिस को कॉल करके ये सब बताती है, लेकिन पुलिस उसके बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती और उल्टा कहती है कि उसका ही दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। तो क्लेयर जल्दी अपने घर के लिए निकलती है। जब वो अपने घर के पास आती है तो देखती है कि ड्यूक उस ब्लू बैग को लेकर उसके घर के पास ही आया है। अब क्लेयर को उसके अपने सपनों के फ्लैशेस आते हैं और उसे समझ जाता है कि उसका घर भी अब उसके लिए सेफ नहीं है। तो वो जल्दी से लाइब्रेरी जाती है ड्यूक के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने, और जो इन्फॉर्मेशन उसे वहां मिलती है उससे वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। वो उधर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ती है कि उसकी खुद की और जिमी की मौत तो कब की हो चुकी है, लेकिन किसी को आज तक क्लेयर की यानी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। ये देखकर क्लेयर बहुत डर जाती है और लाइब्रेरी से निकलकर ड्यूक के वहां जाती है जहां वो जमीन में कुछ गाड़ रहा था। ड्यूक के जाने के बाद वो वहीं जाती है जहां उसे जमीन में एक प्लास्टिक का कवर दिखता है और उसी जगह उसे अपनी इयररिंग्स मिलती है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि वहां उसकी खुद की डेड बॉडी ही है। अब वो खुद को जवाब नहीं दे पाती कि अब वो आखिर कौन है। फिर वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिससे सुनकर उसकी दोस्त उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए बोलती है। अब सीन ड्यूक के घर में शिफ्ट होती है जहां पुलिस आई थी। पुलिस वाले ड्यूक से कहते हैं कि उन्हें जिमी की बॉडी मिल चुकी है, इसलिए वो अब बचकर कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर ड्यूक कहता है कि उसकी खुद की बॉडी वो खुद नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये कहकर ड्यूक सीधा अपनी गन उठाता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर ड्यूक को शूट कर देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में हम क्लेयर को उसकी दोस्त के घर देखते हैं जिसकी अभी अभी आंख खुली थी। तभी वो उसकी दोस्त और किसी के बीच की बातें सुनती है, जिसमें उसकी दोस्त कहती है कि क्लेयर अंदर ही है। ये सुनकर क्लेयर छिपकर रूम के बाहर देखती है कि उसकी खुद की अच्छी दोस्त उस खूनी ड्यूक को ये सब बता रही थी, और ये देखकर क्लेयर को यकीन नहीं होता कि उसकी दोस्त ऐसा कर सकती है। और फिर ड्यूक जब उसका हथियार लेकर क्लेयर के रूम की तरफ बढ़ता है, क्लेयर रूम की खिड़की से उस घर के बाहर निकल जाती है और जाकर उसकी ट्रक में बैठ जाती है। पर जब तक वो उधर से निकले, ड्यूक पता नहीं कहां से सीधा उसके गाड़ी के ऊपर आ जाता है और ऐसे तैसे करके साइड डोर पर लटक जाता है। ये देखकर क्लेयर उसे जोर का एक धक्का देती है जिससे वो बाहर गिर जाता है। इसके बाद क्लेयर की नजर उस ब्लू बैग पर जाती है जो ट्रक के पीछे रखा हुआ था, और उसे खोलकर देखने पर उसे जिमी की डेड बॉडी मिलती है। और ये देखने बाद उसके साथ क्या हो रहा था इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो जल्दी से अपने घर में जाती है और हर एंट्रेंस का दरवाजा लॉक करके अपनी माँ को आवाज लगाती है। फिर उसकी माँ की आवाज बेसमेंट में से आती है जो क्लेयर को अंदर आने के लिए बोल रही थी। अब क्लेयर के अंदर तो बेसमेंट का डर था, इसलिए वो अंदर जाने से घबरा रही थी, लेकिन उसकी माँ को क्या हो रहा था पता नहीं, इसलिए वो क्लेयर को जल्दी आने के लिए बोलती है जैसे कि वो किसी तकलीफ में हो। तो पता नहीं कैसे क्लेयर अपने आप बेसमेंट के अंदर जाने लगती है जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। वो अंदर जाती है जहां उसकी माँ उसके आगे ही खड़ी थी। क्लेयर अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ पलटकर क्लेयर को पकड़कर कहती है कि तुम क्लेयर नहीं बल्कि ड्यूक हो, और क्लेयर तो कब की मर चुकी है। फिर तभी उधर बेसमेंट में ड्यूक अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है और क्लेयर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्लेयर रोने लगती है और कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहरहम ड्यूक उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। एंड यहाँ खुलता है मूवी का असली प्लॉट। तभी क्लेयर का चेहरा ड्यूक के रोते हुए चेहरे में बदल जाता है। जो ड्यूक मार रहा था उसके पीछे हम जिमी और क्लेयर की आत्मा को देखते हैं, मतलब कि ये सब ड्यूक के किए हुए करतूतों की सजा थी। ड्यूक तो मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा क्लेयर के बॉडी में हमेशा के लिए फंस चुकी थी, और वो हर बार उसी दर्द से गुजरता है जैसे उसने कई लोगों को बेवजह जान से मारा था, और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला था। एंड आखिरी सीन में हम क्लेयर को यानी ड्यूक को फिर से उसी स्टोर पे देखते हैं जहां वो काम करती थी, मतलब क्लेयर की जिंदगी फिर से चौथी बार ड्यूक की आत्मा को लेकर शुरू हुई थी। और यहां हमें समझ जाता है कि ड्यूक हमेशा के लिए इस एंडलेस लूप में फंस चुका है जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। मैं जानता हूं 98% लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है, और एंड का ट्विस्ट जानने के बाद भी बहुत से लोग थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे। तो मैं आप सबका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। दरअसल जो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूवी में आपने देखा वो सब नर्क में हो रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। जब उस किलर ने क्लेयर को जान से मारा, उसके बाद भगवान ने उसे सीधा नर्क में डाल दिया और उसकी आत्मा को क्लेयर की बॉडी में डाल के उसे बार बार क्लेयर के आखिरी दिन को जीने के लूप में फंसा दिया, ताकि उसे अपने पाप का एहसास हो और उसे पता चले कि किसी शिकारी का शिकार होना कैसा लगता है। इसलिए वो नर्क में बार बार क्लेयर के आखिरी दिन को जी रहा था जब वो मरी थी, और उसका शिकार कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही कर रहा था। एंड चाहे वो जितनी भी कोशिश करता या बचने के लिए अलग अलग दिमाग लगाता, उसी के हाथों उसकी दर्दनाक मौत तय थी। एंड वो चाहकर भी इस लूप से नहीं निकल सकता था। और आपने
देखा होगा कि एक सीन में क्लेयर को आईने में अपनी जगह ड्यूक का चेहरा दिखता है। दरअसल उसे आईने में खुद का ही चेहरा दिख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्लेयर और जिमी मरे कैसे, तो जो स्टार्टिंग का सीन हमने देखा था वहीं जिमी की मौत हुई थी, जिसके बाद ड्यूक ने क्लेयर को जान से मारा और वो भी ऐसे तैसे नहीं बल्कि उसकी स्किन निकाल के। एंड ठीक उसी मूवमेंट पर उसकी आत्मा नर्क में क्लेयर की बॉडी में चली गई और हमेशा के लिए वो उस लूप में फंस गया। एंड इसी के साथ ये था मेरा 2006 की सैलवेज मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जैसा कि आप जानते हो कि काम के कारण मैं यहाँ जल्दी वीडियो नहीं डाल पाता, जिस वजह से चैनल के रीच की वाट लग चुकी है, पर आप लोग उसे ठीक कर सकते हो मेरी वीडियोस को शेयर करके। सो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि मेरी रीच बढ़े और मैं इसे ही अपना फुल टाइम जॉब बनाऊं। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।